કેમ છો? મજામાં. અરે મામા, મહારાષ્ટ્ર પૂર્વ મંત્રી ઓર તીન બાર કે વિધાયક બાબા સિદ્દીકી કી હત્યા કો લેકર રાજનીતિ શરૂ હો ગઈ હૈ. વિપક્ષ સિંધે સરકાર પર હમલાવર હૈ કે જબ ઇતને બડે નેતા કી હત્યા હો સકતી હૈ તો રાજ્ય મેં જનતા કિતની સુરક્ષિત હૈ. ઇસ બીચ બિહાર કે નિર્દલીય સાંસદ બાહુબલી પપ્પૂ યાદવ ને ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈ કો ખુલ્લી ચુનૌતી દી હૈ. પપ્પૂ યાદવ ને કહા હૈ અગર કાનૂન અનુમતિ દે તો 24 ઘંટે મેં लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा. बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया है. उन्होंने लिखा है, देश है या .. की फौज. एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन सभी मूक दर्शक बने हुए हैं. पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी मूसेवाला को मरवा दिया, कभी करणी सेना के मुखिया को मरवाया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला. इस पोस्ट में पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2% का अपराधी बताया है. उन्होंने इसी पोस्ट में गैंगस्टर को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कानून इजाजत दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा. इससे पहले पप्पू यादव ने जो पोस्ट की थी उसमें बाबा सिद्दीकी को बिहार का बेटा बताया था. दरअसल बाबा सिद्दीकी बिहार के ही रहने वाले थे और बाद में मुंबई जाकर अपनी राजनीति शुरू की थी. इसमें उन्होंने महाराष्ट्र में महाजंगल राज बताया था. उस पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा था कि वाई सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक पूर्व मंत्री बाबा सिद्दी जी की हत्या महाराष्ट्र में महाजंगल राज का शर्मनाक प्रमाण है. बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है. बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने जड़सुख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है तो आम लोगों का क्या होगा? बता दें कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार देर रात मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उनकी हत्या की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. बिश्नोई गैंग ने सलमान खान और दाऊद गैंग के करीबियों को धमकी दी है. उसने कहा कि ऐसे लोग अपना हिसाब किताब लगाकर रखे. बाबा सिद्दीकी का राजनीति के साथ साथ बॉलीवुड के लोगों से काफ़ी करीबी रिश्ता था. उनकी इफ्तार पार्टी में बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल होती थी. वह हाल ही में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए थे. लेकिन आप यहाँ ये जानना चाहते हो ना कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके पूरे नेटवर्क को खत्म कर देने की धमकी देने वाला ये बाहुबली नेता पप्पू यादव आखिर है कौन? क्या इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? इनका भोकाल कैसा है? इस पर हमने आज से एक साल पहले एक एपिसोड बनाया था, उसे जरूर देखें, जिसमें पप्पू यादव के बड़े बड़े कारनामों से लेकर अब तक की पूरी जर्नी के बारे में विस्तृत से हमने बताया है. तो चलिए उस वीडियो को यहाँ प्ले करते हैं और आप भी देख लीजिए लॉरेंस को खत्म कर देने की धमकी देने वाले पप्पू यादव की कहानी. सदन में ऐसा रो रहा था जोगी हम लोग के सामने. इतना बड़ा हमने ऐसे ऐसे बकर रो रहा था. क्या हुआ? हमको बड़ी मारा पुलिस. उलम सिंह बड़ी मरवा दी. बड़ी क्या डरपोक है ये. जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे अब हम कुछ नहीं गए. इससे आगे कुछ नहीं गए. कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा बाटा बाबा? ये चोर सबके आपके फेर में क्यों आप इंसान को पराते हो? गरीब भगवान के चलते तो लोग गरीब हो रहा है. इन्हीं बाबा बाबा के चलते तो लोग गरीब हो रहा है. भाग किस्मत के चलते सब मर रहा है. ये बाबा इतना चमत्कारी है तो बोलो ना, बॉर्डर पर चाइना में जाकर के सब आर्मी को हटा दे और गरीबी खत्म करके अमीर बना दे और बेरोजगारी खत्म कर दे. चमत्कार करता है तो गरीब को अमीर बना देना. कौन फेर फाड़ में ये बाबा बाबा चोर चिल्लर के फेर में रहते हो? इस तरह बिहार का बाहुबली पप्पू यादव योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा. लेकिन मामा, पप्पू यादव भी कोई दूध के धूले थोड़ी ना है. अपराध से उनका पुराना नाता है. गिरगिट की तरह पार्टियां बदलना उनका शौक है. पूरे बिहार में इस बाहुबली की धौंस चलती है. आज पप्पू यादव अपनी राजनीति चमकाने योगी और शास्त्री पर बुरा भला बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन कोरोना के टाइम पर यही पप्पू यादव गरीबों का मजिया बना था. बाढ़ के टाइम भी सैकड़ों लोगों की मदद भी की थी. पप्पू यादव यानी एक ही सिक्के के दो पहलू है. सलाखों की कैद में 17 साल, कभी दिल्ली की तिहाड़ जेल तो कभी पटना की बेऊर जेल इस गड्ढा बनी. जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव. अरे भाऊ, पप्पू नाम सुन के पप्पू ना समझिएगा, ये सामने वाले का पतलून गीला कर देता है.
संगीन मामलों में 17 साल से ज्यादा जेल में बिता चुके राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव गाने के शौकीन है। बाहुबली की छवि रखने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, जो अपने आप को द्रोह काल का प्रतीक मानते हैं। और ऐसा उन्होंने अपनी आत्मकथा के शीर्षक में कहा, जो उन्होंने जेल में ही लिखी थी। 24 दिसंबर 1967 को बिहार के खुर्दा कुमारखंड में जन्मे पप्पू यादव कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही अपराध की दुनिया का बड़ा चेहरा बन चुके थे। पप्पू यादव की पहचान तब बनी जब 1990 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार विधानसभा में पहुंच गए। उसके बाद का उनका सियासी सफर आपराधिक मामलों में विवादों से भरा रहा। मधेपुरा के सिद्धेश्वर विधानसभा के सीट से पहली बार विधायक बनने वाले बाहुबली पप्पू यादव ने बहुत कम वक्त में पूरे इलाके में अपना प्रभुत्व बढ़ा लिया। उन्होंने मधेपुरा ही नहीं बल्कि पूर्णिया, सहरसा, सुकोर, कटिहार जिलों में अपने समर्थकों का मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया। मधेपुरा के सिद्धेश्वर से दर्जनों केस में आरोपित रहते हुए भी विधायक बने और यहीं से अपराध की दुनिया से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। हालांकि पप्पू यादव बाहुबली की जगह खुद को विद्रोही कहलाना पसंद करते हैं। रे मामा, पप्पू यादव भले ही खुद को बाहुबली ना कहते हो, लेकिन यह सच है कि अपराध और राजनीति दोनों ही उसकी मासूकाए है। और जिस दौर में पप्पू यादव बिहार में चमके, उस दौर में उन्हीं के इलाके में बाहुबली आनंद मोहन भी उभर रहे थे। उस दौर में आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच 36 का आंकड़ा था। अरे बाहू, 1990 तक पप्पू यादव मधेपुरा से बाहर निकलकर पूरे बिहार में एक बाहुबली डॉन की छवि बना चुके थे। उनका भारी भरकम शरीर देख बड़े बड़े चच्चा लोग की धोती का नाड़ा खुल जाया करता था। लेकिन मधेपुरा और पूर्णिया के इलाके में उनकी छवि एक रोबिन हुड जैसी थी, जो अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए करता था। कहते हैं कि वो जब बोलता है तो पूरा बिहार रुक कर सुनता है, वो जब नारा लगाता है तो उसकी एक आवाज पर भीड़ जुट जाती है, वो जब विद्रोह पर उतर आता है तो सरकारों की नींद गायब हो जाती है, वो जब बगावत पर आता है तो लालू यादव से लेकर नीतीश कुमार जैसे नेताओं का गला सूखने लगता है। वो है तो अकेला, लेकिन उसकी ताकत सत्ता के चारों पाइयों को हिलाकर रख देती है। यही तो पहचान है पप्पू यादव की। वह गरीबों की आवाज है, मजलूमों की नाज है, पिछड़े कुछ लोगों की उम्मीद की किरण है। वह है तो पप्पू, लेकिन उसे पप्पू समझने की भूल करने वालों के पास पछताने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता बचा ही कहां। 1990 में विधायक बनने के साल भर बाद ही पप्पू ने निर्दलीय पूर्णिया से लोकसभा की सीट जीत ली। इसी जीत ने राजनीति में उसकी जीत और भी बढ़ा दी। पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से 1996 में और 1999 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। चुनाव जीतने में उनकी दबंगाई खूब काम आती और देखते ही देखते राजनेताओं के राज दुलारे बन गए। साल 2004 में लालू यादव को 2 लोकसभा सीटों से जीते थे। लालू ने छपरा सीट अपने पास रखी और मधेपुरा सीट खाली की तो पप्पू यादव की किस्मत भी चमक गई। अपने परंपरागत सीट मधेपुरा से पप्पू यादव को सीट दिया और ये दाव लालू का कामयाब रहा। लेकिन मामा, यहाँ हो गया एक लोचा। तकदीर ने करवट ली। CPIM नेता अजीत सरकार हत्याकांड में पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया और वह जा पहुंचे तिहाड़ जेल। पप्पू ने तिहाड़ में रहते हुए जमानत मांगी, लेकिन मिली नहीं। दरअसल 14 मई 1998 को CPIM नेता अजीत सरकार की चलती गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिहार के पूर्णिया में हुई इस वारदात में अजीत कुमार और उसके एक ड्राइवर मारा गया। इस हत्या का आरोप पप्पू यादव और उसके साथियों पर लगा और 2008 में CBI कोर्ट ने पप्पू यादव को इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई और पप्पू पहुंच गए सलाखों के पीछे। पटना हाई कोर्ट ने मई 2013 में 15 साल पुराने अजीत सरकार हत्याकांड मामले में CBI कोर्ट का फैसला पलट दिया। पप्पू यादव बरी हो गए और बिहार आए। हेरे मामा, पप्पू यादव की पारिवारिक जिंदगी की कहानी भी दिलचस्प है। खेल कूद में रुचि रखने वाले पप्पू यादव की मुलाकात टेनिस कोर्ट में रंजीत रंजन से हुई थी और टेनिस कोर्ट में शुरू हुई ये लव स्टोरी ने रिश्ते की शक्ल ले ली। दोनों ने शादी कर ली। रंजीत राजनीति में भी पप्पू यादव की सच्ची संगिनी साबित हुई और सच्चे रूप से राजनीति करने लगी। इसी का परिणाम था कि भारतीय राजनीति इतिहास में पहली बार ये दोनों दंपति 2 बार अलग अलग पार्टी से सांसद के रूप में सदन में बैठे नजर आए।